चाहिए किसी भी परिंदे को। अगर ठीक है। पानी सूखना वो म्यूटेशन है, ट्रैगोपैन और ग्रे पिकॉक, पहलवान, ये एड्स के अंदर मैंने एक चीज देखी है कि सर्दी से तो कुछ भी नहीं होता है ना। वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। हम लोग लाहौर से 1350 किलोमीटर दूर इमरान भाई के फिजेंट्स के फार्म पे आए हैं, और यहाँ पर इनके धोनी भाई के मुताबिक के कराची में फिजेंट्स का सबसे बड़ा फार्म अभी तक का ये वाला फार्म है। तो धोनी भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। धोनी भाई कितने फिजेंट्स हैं यहाँ पे तकरीबन? तकरीबन यहाँ पे जो ब्रीडर है ना वो 100-125 ब्रीडर हैं यहाँ पे। सही है। जिसमें रीव्स हैं, रीव्स हैं, लेडी एमरेट्स हैं, और रेड गोल्डन है, येलो हैं, और सिल्वर फेजेंट हैं। ठीक है। और मजीद जो है ना यहाँ पे इमरान भाई ने कुछ ऐड करने के लिए, जैसे न्यू म्यूटेशन है ट्रैगोपैन और ग्रे पिकॉक, पहलवान, ये ऐड करेंगे। अभी एक जगह पे इनकी सेटिंग हो रही है। और अभी आपके मुताबिक कि यहाँ पर जितने भी फ्यूजेंट्स हैं ये सारे दोबारा न्यू बैच तैयार हो रहा है, पुराने फ्यूजेंट जो अडल्ट थे सारे निकाल दिए गए हैं? वो निकाल दिए गए हैं, ये ऐड करते रहते हैं, कुछ इम्पोर्ट भी करते हैं, तो उसमें ब्लड चेंज हो जाता है इनका, फ्यूजेंट का मेल फीमेल चेंज करते रहते हैं, इनका ब्लड चेंज करना ज़रूरी होता है। प्रॉपर केजिंग की हुई है यहाँ पे फ्यूजेंट्स की, अगर आप लोग देखें स्क्रीन के ऊपर तो माशाल्लाह से वन बाय वन बॉक्स बनाए हुए हैं। तो उन्होंने क्या बॉक्स का साइज होगा जो हमारी आंखों सामने आ रहा है इस टाइम? ये मेरे ख्याल में साइज जो है ना 5 फीट बाई 5 फीट का साइज है। 5 फीट बाई 5 फीट? जी। अच्छा, 5 फीट बाई 5 फीट का साइज बनाया हुआ बॉक्स का, लेकिन जो बच्चे वगैरह हैं उनके लिए पूरी कॉलोनी टाइप लगाई हुई है। जी बिल्कुल, शेड बनाना पड़ता है। आप एक शेड बनाएंगे, ये 100 फीट का लंबा शेड है और इसकी डेप्थ है 20 फीट। तो सोने भाई, ये धूप के अंदर जो केजीज हैं इनको गर्मी से कैसे बचाएंगे, क्या इन्वायरमेंट का इंतजाम किया, मतलब डायरेक्ट धूप के अंदर पा रही है? ये धूप लगनी चाहिए किसी भी बर्ड को। ये एक वाइल्ड इन्वायरमेंट का बर्ड है, और इसके अंदर मैंने एक चीज देखी है कि सर्दी से कुछ भी नहीं होता है ना सोने भाई? सर्दी से नहीं कुछ होता, हम जब ख्याल करना पड़ता है डायरेक्ट ऊपर धूप ना जाए, और वैसे ये सख्त जान होते हैं। हम लोग ड्राइवर पे तुकीशाह साहब के फार्म पे गए थे तो फुल सर्दी थी वहाँ पर, मतलब कि हम लोगों ने तो पूरी कवरिंग की हुई थी अपने बर्ड्स की, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल ओपन थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सिलसिला है, ये कुछ होता नहीं, मर जाएंगे, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने ज़मीन पर खाली पराली फेंकी हुई थी, कहते कुछ भी नहीं, इनको फर्क नहीं पड़ता सर्दी से, फर्क नहीं पड़ता गर्मी से। तो गर्मी में ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है कि सर्दी में इसकी? लाहौर साइड पे गर्मी ज़्यादा होती है, कराची में हवाएं चलती रहती हैं, समंदर करीब है, इस वजह से यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और अगर गर्मी हो भी तो आप और इनके पानी का ख्याल रखें, पानी नहीं सूखना चाहिए किसी भी परिंदे को, अगर पानी सूख जाता है तो परिंदा ज़ाया हो जाता है। ठीक है, फ्यूजेंट्स दिखाना शुरू करें? जी आएंगे आप। आपको केजीस में शौक करवाते हैं, मज़ा आए ना तो मस्त सा करके लाइक दे देना, बनता है धोनी भाई के लिए दे देना, चाहे मेरे लिए ना देना, आपके लिए भी दे दें। चलें जी, हम आपको ना फ्यूजेंट्स दिखाना शुरू करते हैं, शौक करवाते हैं आप लोगों को। इस केज का हम लोगों ने साइज बताया था, वो केज इस टाइम आपके सामने है, और इसको मेरा ख्याल है कि इस तरह से कवर किया हुआ है, कहते धूप नहीं जाती इसकी, धूप नहीं जाती, फ्रंट से जाती है थोड़ी धूप, थोड़ी जाती है, थोड़ी तो बहुत जरूरी है बर्ड के लिए धूप। इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा दिया हुआ है। अब इसके अंदर पहले आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, लाहौर में धोनी भी बहुत रेयर है, यहाँ पे लोगों के पास काफी पड़े हुए हैं। ये इमरान भाई के फार्म पे ही है, वहाँ बाकी लोगों ने एक एक दो दो ट्रायल रखे, एक एक दो दो ट्रायल देखे, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ज्यादा है। मुझे सबसे ज्यादा इसकी खूबसूरत चीज लगी है, फेस के ऊपर एक मास्क बना हुआ है, ऊपर जो लेसिंग हुई है इसकी बड़ी प्रॉपर। अक्सर मुमन ऐसा होता है कि मेल्स खूबसूरत है, फीमेल जो है ना फीमेल प्यारी नहीं होती है, प्यारी नहीं, लेकिन इसकी फीमेल भी बड़ी प्यारी है, बड़े प्यारे शेड में। अगले केज की तरफ चलते हैं। जी जी बिल्कुल, अगले केज की तरफ। जी भाई, अब क्या आगे, अगले केज में क्या चीज है? ये सिल्वर फेजेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ सिल्वर फेजेंट नेक्स्ट केज। अच्छा, ये भी माशाल्लाह वही है? वही है। इनके साथ जो है ना तीन तीन चार चार फीमेलें हैं, एक एक मेल कोने में लगे हुए हैं। अच्छा, कैसी बात है सोनी भाई कि हम लोगों ने जाके देखे हैं जितने भी शेड्स पे एक या दो मिले हमें, बस यहाँ पे ज्यादा है माशाल्लाह, यहाँ हर किस्म के 5-5, 6-6 सेट मिलेंगे आपको। इमरान भाई ने मतलब पूरे पाकिस्तान का फेवरेट माशाल्लाह से अल्लाह ताला नजरे वास्ते पे इधर ही रख दिया लागे, बस इधर ही इकट्ठे किए हैं इन्होंने। हम लोग इमरान भाई भी दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। ये सुहेल भाई हमारे आ गए हैं, और इनको तो मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, मतलब बचपन से नहीं यानी कि यूट्यूब के बचपन से जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल। और ये हमारे इमरान भाई हैं जिनका ये फार्म है। तो इमरान भाई
क्या क्या दिखाएंगे आप हमें इसके अलावा? हमने दो केजीज दिखाए हैं, अभी सिल्वर फिशन दिखाया है। मेरे पास सिल्वर फिशन है, रेड गोल्डन है, सिल्वर रीफ है। रीफ क्या चीज है वो? लॉन्ग टेल वाले। लॉन्ग टेल वाली। मैक्सिमम टेल का साइज क्या है उसकी? तकरीबन 6 फीट 7 फीट। 6 से 7 फीट है। वाह यार, आपके पास इस टाइम अभी तो खैर बच्चा डाला हुआ है, कोई है अवेलेबल की टेल? अपने पास भी उसकी 5 फीट है। ये मजेदार चीज मोल्टिंग में होते हैं ना, तो फिर बिल्कुल मजा नहीं। थोड़े बहुत अभी बच्चे तैयार होंगे तो नेक्स्ट सीजन में भी आपका चक्कर लगाएंगे, तो विजिट करते हैं, थोड़ा केज वगैरह दिखाएं। और सुहेल भाई आपका कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का करम है, दुआएं आपकी सब ठीक ठाक है। सुहेल भाई नए चैनल का नाम क्या आपके? सुहेल अहमद टीवी। तो माइक शाइक तो दिखाओ यार। ये चीज ये सुहेल भाई का जो लोगो है ना भाई, ये पुराने चैनल का, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा इस चीज का। ये इनके पिंजरे की तस्वीर है जिससे इन्होंने चैनल स्टार्ट किया था, ऐसे ही है। ये कॉलोनी थी मेरी बजरी की, उसकी तस्वीर है। आपका मैं फॉलोअर हूँ जब आपके 10,000 सब्सक्राइबर थे। 10,000 सब्सक्राइबर थे भाई, मैं आपको बताया मैं इतना था जब से देख रहा हूँ। नहीं यार इतने नहीं थे, आप बड़े ही थे। चले हम बर्ड्स दिखा के इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। अच्छा हम इमरान भाई अभी क्या चीज दिखा रहे हैं आप आगे? मैं आपको दिखा रहा हूँ लेडी एमिरेट्स। लेडी एमिरेट्स, लेडी एमिरेट्स है नाम? लेडी एमिरेट्स। एमिरेट्स ठीक है, दिखाए जरा और इसके बारे में डिटेल दें क्या चीज है। ये मैंने अभी बाहर से इंपोर्ट हुए हैं। ये जरा डिफरेंट लग रहे हैं इनके जो फोम है, ये फुल कलर में नहीं है अभी, ये पटे हैं ना। अच्छा पटों की वजह से? हाँ ये पटों की वजह से फोम मेल है, अभी बाहर से ही आए, तकरीबन पिछले साल ही आए। मेल कितने दिन में कलर करेगा अपना? ये तकरीबन 1.5 साल में कलर होता है इनका ना। 1.5 साल में कलर करेगा? हाँ। अच्छा इमरान में फ्लाइंग इनकी फुल है, मैक्सिमम क्या फ्लाइंग है इनकी? तकरीबन मैंने जो देखी है मेरे से एक दो बाघ है मेरे पास। अच्छा 40 से 50 फीट। तो पकड़े जाते हैं नहीं? किस्मत के ऊपर है, मेल बहुत कम पकड़े जाते हैं, फीमेल आराम से आ जाती हैं। फीमेल हाथ में आ जाती हैं, हालांकि फीमेल हल्की होती हैं, उनको जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। हाँ जी। या मेल के शायद फीदर्स ज्यादा होते हैं, ज्यादा ऊपर उड़ जाती हैं, फीमेल ज्यादा ऊपर नहीं उड़ती। ये कहाँ की ब्रीड है फीजेंट्स? ये वाले जो है लेडी एमिरेट्स, लेडी एमिरेट्स जो मैंने सुना है चाइना की है। चाइना की ब्रीड है सही। और आपने तो मेरे ख्याल है जापान वहां से मंगवाए होंगे, जर्मनी वगैरह से, हॉलैंड से? यूरोप। ये ब्लड चेंज करने के लिए मैंने अभी मंगवाए, इसलिए कि बड़े होते बड़े मंगवाते हैं तो बड़े की किसी के फर्टिलिटी आती है नहीं आती, पठों का ये इतना कंफर्म होता है कि अपने यहाँ के बच्चे हैं। हाँ ऐसी बात, अपना ब्रीडर कौन देगा? नेक्स्ट में चलते हैं केज में। अच्छा यहाँ पर क्या चीज है? माशाल्लाह मेल रखे हुए ब्रीडिंग के लिए एक्स्ट्रा। ओपन करें जरा, ये बैकअप रखा हुआ है आपने? खुदा ना खास्ता फीमेल, जो मेल अगर नहीं चल रहा जिसकी फर्टिलिटी नहीं आ रही ना, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा मेल रखे हुए। बेहतरीन है। ये कितनी कितनी उम्र के पट्टे हैं? ये तकरीबन 2-2 साल के। 2-2 साल ये तैयार है यानी कि? ये तैयार है, कोई अगर मैं कोई पेयर नहीं चलेगा जिसकी फीमेल में मतलब मेलों में उसमें फर्टिलिटी नहीं आ रही अंडों में, तो मेल में चेंज कर दूंगा। अच्छा भाई मुझे ये बताइए, इसमें टाइम नहीं बचता, इसलिए 2-3 महीने होते हैं ब्रीडिंग के लिए। फुल मोल्टिंग कंप्लीट कराने के लिए क्या केज का साइज होना चाहिए मैक्सिमम? तकरीबन मैंने नेट पर वहाँ चेक किया तो तकरीबन 4 से 6 फुट होना चाहिए या 6x6 का होना चाहिए। तो इसका क्या साइज है? 4x6। 4x6 का है। और इसमें फ्लाइंग वगैरह प्रॉपर इनको मिल पाती है कि जंप वगैरह में गुजारा हो जाता है इनका? नहीं जंप में गुजारा हो जाता है, जंप में गुजारा हो जाता है। बहुत ज्यादा बड़ा भी रखेंगे तो फर्टिलिटी में असर पड़ेगा। इनको चर्बी वगैरह लगती है बाकी बर्ड्स की तरह? नहीं लगती है। फीड की वजह से होती है, फीड आप कौन सी देंगे उसकी वजह से भी चर्बी। आप कौन सी फीड यूज कर रहे हैं अभी? मैं तकरीबन सिन फीड यूज कर रहा हूँ और तकरीबन उसका 20 से 25 साल का पुराना गाहक हूँ। मेरा पहले ब्रॉयलर फार्म का भी था और लियर मुर्गियों का फार्म भी था। माशाल्लाह आप शौकीन है हमारी तरह के। जी जी हाँ, मैंने तकरीबन 20-25 साल में अपना जब जो बच्चे होते हैं जितने आते हैं समय में रखता हूँ इस कॉलोनी के अंदर। ठीक है इमरान भाई, मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे टोटल केज कितने हैं? क्योंकि धूप बहुत ज्यादा भाई, इसलिए हम खड़े नहीं हो रहे हैं। ये तकरीबन मेरे पास केजेस बने हुए ब्रीडिंग के लिए 25 से 28 केजेस बने हुए ब्रीडिंग के लिए आपके पास? हाँ। माशाल्लाह से। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या सीन है मुझे बताएं जरा? ये बच्चों के लिए मैंने केज बनाया, अभी थोड़ा उनको रिपेयरिंग करवानी है, अभी सीजन शुरू हो गया, अभी मैं इसको रिपेयरिंग कराऊंगा। ठीक है। एक एक केज ये बने हुए, एक एक हफ्ते के बच्चे को अलग अलग रखता हूँ, हर हफ्ते का बच्चे को अलग रखता हूँ, नहीं तो हर हफ्ते का बच्चा दूसरे हफ्ते के बच्चे को मार देता है। अच्छा मार देगा? ये मार के मारता है, पाँव ने रोल के मार देता है, फूट निकाल देते हैं, सर फाड़ देते हैं। हाँ, एक बड़ी चीज है कि यार ये पिंस खा जाते हैं, इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि फिर आप उसको नोस नाक पर चीज पहनाई जाती है, वो पहना दें, उससे इसकी हेल्थ पे कोई फर्क पड़ता है? वो मैंने देखा फीट थोड़ी कम हो जाती है, लेंग भी कम हो जाती है, लेंग तो कम हो जाती है। तो इसका कोई और हल नहीं है कि ये ना करें इस तरह की हरकतें? ये उनको पहना ब्रीडर को तो ना पहना बेहतर है, ब्रीडर को ना अपनाएं। ब्रीडर को ना अपनाएं। तो ब्रीडर जब तक यानी कि ब्रीड करेगा तब तक उसको झाड़ के रख देंगे फीमेल। तो अब ये है कि ना फीमेल उसके साथ ज्यादा दे देना, फीमेल उनको आप दो हैं तो 4 कर दें।
एक ब्रीडर के साथ हाँ। तो फर्टिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मैंने भी एक, मेरे पास भी तीन फीमेल भी हैं, दो फीमेल भी रखी हुई हैं, किसी के साथ एक फीमेल भी रखी हुई है, एक फीमेल भी रखी है, हाँ। चार भी रखी। मैक्सिमम कितनी फीमेल हम रख सकते हैं? हर ब्रीड के लिए अलग अलग है, शुरू में जैसे उसका सुना है कि एक ही फीमेल के साथ ही चलता है। क्रीप के साथ आप आठ भी रख सकते हैं, रेड गोल्डन के साथ आप चार भी रख सकते हैं, वाओ। और येलो के साथ भी दो से चार रख सकते हैं। लोगों ने बड़ों ने ना न्यू म्यूटेशन बनाई हुई है, आपने कोई बनाई है न्यू म्यूटेशन? न्यू म्यूटेशन तो नहीं, मैं तो वही जो चल रही है, जो जिसकी डिमांड है, रेड गोल्डन है, येलो है, सिल्वर है, रीफ है, स्पिनो है, लेडी है, ये सब मैंने रखी जो जिसकी मार्केट का, जिसका मार्केट में डिमांड है। सही है, बेहतरीन हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। आपकी मेहरबानी, आप भी हमारे पास। नहीं नहीं, आप तो हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई शेड में जब एंडी आई थी तो इनके बरकत वाले माशाल्लाह पैर पड़े थे, वैक्सीन करके गए थे, लाहौर आ गए हमारे पास, तो जिससे सारी बीमारी खत्म हो गई। और आपकी वैक्सीन करने तीन घंटे पहले आखिरी बर्ड मेरा एक्सपायर हुआ था, हर एक घंटे के अंदर 50,000 का बर्ड मार रहा था मेरा। और अल्लाह का शुक्र जब वैक्सीन हो गई उसके बाद एक भी बर्ड मेरा एक्सपायर नहीं हुआ। जी जी, आपकी मेरी उस टाइम जी चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।